everyone and welcome to my channel Creative Space. I hope आपको ये weekly tutorials अच्छे लग रहे हो and I hope आप सब इसको use कर रहे हो and you know ये बहुत मैं basic sketches या basic drawings बनाती हूँ with alphabets जो बच्चे लोग बहुत easily उसको निकाल सके, relate कर सके, उनके लिए थोड़ा मजा आता हो, you know कि you know ये छोटे छोटे चीजें हैं जैसे soft toys हो गए, animals, birds, ये जो मैं चीजें सिखाती हूँ through alphabets, ये वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं एंड आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दीज वीकली ट्यूटोरियल्स. सो टूडेज लेटर्स आर जी एंड एच, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड कैपिटल एच एंड स्मॉल एच. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल. ओके सो हम इस ट्यूटोरियल में एक स्लीपिंग बेबी बनाएंगे, बहुत ही बेसिक स्लीपिंग बेबी एंड कुछ टॉयज उसके आजू बाजू में. सो लेट्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर जी. सो ये कैपिटल लेटर जी है. ओके इसका एकदम बेसिक आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, टॉय क्या बना सकते हैं, इज अ हैंड फैन. एक हैंड फैन है, ये डिजाइन हो गया हैंड फैन का एंड जस्ट थोड़े से रफल्स बना दीजिए. ओके फिर से आई विल टेल यू, दिस इज अ जी. ओके जस्ट ड्रॉ अ लाइन, आस्क द किड टू जस्ट जॉइन दीज लाइन्स. यहाँ पे थोड़ा सा रफल्स बना दिए या सिर्फ ऐसे बनाना हो, उनको लाइन्स करने हो, सिंपल यू नो ऐसा कर दिया एंड देन यू कैन यू नो कुछ भी डिजाइन कर सकते हो आप, वॉट एवर द किड लाइक्स. सो दिस इज अ हैंड फैन. ओके नाउ लेट्स डू स्मॉल लेटर जी. स्मॉल लेटर जी से हम एक स्लीपिंग बेबी, बहुत ही छोटा सा बेबी, कुछ महीनों का, जिसको हम बांध के रखते हैं, ऐसा बेबी बनाएंगे. सो दिस इज जी. यू जस्ट हैव टू टच दिस, है ना, इसका थोड़ा सा ऐसे क्विल्ट बाहर आता है और उसकी सिर्फ आईज बनाने हैं. अ वेरी स्मॉल स्लीपिंग बेबी. यू कैन देन कलर इट. आप इस क्विल्ट को यू कैन आस्क द किड टू जस्ट कलर इट या डिजाइन कर दीजिए यहाँ पे. ओके दिस इज वेरी बेसिक जी, है ना, वो जो साइड्स से कपड़ा थोड़ा आता है बाहर वैसे, एंड जस्ट मेक द बेबी स्लीप. ओके दिस इज अ स्मॉल लेटर जी. लाइक दिस इज दिस, ये जो जी का ये है, दिस माय डॉटर रियली लव्ड इट, उसको बहुत क्यूट लगा ये. सो इसके लिए आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस इन ट्यूटोरियल. सो कैपिटल लेटर जी, स्मॉल लेटर जी. ओके नाउ लेट्स डू कैपिटल एच एंड स्मॉल एच. ओके सो कैपिटल एच से बहुत ही बेसिक कुछ स्ट्रोक्स करके हम क्या बना सकते हैं, कुछ लोग हैट भी बना सकते हैं, हैट इज ऑल्सो वेरी इजी, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ बेबीज बॉटल. एच हो गया कैपिटल एच, इसको नीचे से ऐसे कर्व दे दो स्मॉल और यहाँ पे इसको ऐसे शेप दे दो जैसे ढक्कन का शेप है वैसे, हो गया जो मिल्क की बॉटल्स होती है वैसे. ओके सो यू कैन बेसिकली मेक एवरीथिंग रिलेटेड टू द बेबी. यहाँ पे ऐसे हो गया, इसको सिर्फ ऐसे ऊपर कर दो, ढक्कन हो गया एंड दिस इज द मिलीलीटर्स. द मिलीलीटर्स जो होते हैं पानी के, तो वो मार्किंग्स हैं यहाँ पे. ठीक है सो दिस इज अ बेबीज बॉटल. ओके नाउ दिस इज कैपिटल एच. अभी स्मॉल एच, स्मॉल एच से आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन ड्रॉ इधर अ हॉर्स और इधर अ जिराफ. तो अब मैं यहाँ पे एक जिराफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ. राइट right?
आप एक जिराफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, या फिर आप हॉर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, एच से, स्मॉल एच से। सेम शेप का है, सिर्फ डिजाइन थोड़ा सा अलग होगा। ओके, आईज, ये इसके ईयर्स थोड़े अलग होते हैं हॉर्स के। देन जो उसकी मेन होती है, ऐसे। आई प्रिफर जिराफ बिकॉज वी हैव अ टॉय जिराफ, तो मैं जिराफ उसको सिखाती हूँ मेरी डॉटर को। सो एच, ये ऐसे कर दिया, आईज, छोटा सी ईयर्स जिराफ के, सेम पैरेलल लाइन। दिस इज अ टॉय जिराफ। देन जस्ट डू अ डिजाइन, कहाँ पे भी रैंडम आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यूजिंग ऑल दीज शेप्स लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। ये जो शेप्स हमने अभी ड्रॉ किए हैं, एक छोटा सा हाउ टू यूज इट इन अ स्मॉल स्टोरी, नहीं एक इमेज में हम उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। ओके, ओके, सो दिस इज अ क्रिब दैट आई हैव ड्रॉन। क्रेडल बोल सकते हो आप, क्रिब बोल सकते हो, पालना, झूला जहाँ पे बच्चे सोते हैं वो मैंने बनाया है। तो यूजिंग द बेसिक शेप यू कैन आस्क द किड कि क्रिब में कौन सोता है, कहाँ सोता है बेबी। तो यहाँ पे हमको बेबी ड्रॉ करना है एक। ओके, सो अ स्लीपिंग बेबी, द बेबी इज स्लीपिंग इन अ क्रिब। ओके, join this and the baby is sleeping. Okay, and there is a small toy fan beside the baby. तो यहाँ पे कहीं कहीं पे भी आप कोई भी place कर सकते हो चीजें। So baby के बाजू में there is a fan. जी, कैपिटल जी से। ओके, फैन हो गया। देन देयर इज अ जिराफ जो है स्मॉल एच, सो उसके क्रिब में एक छोटा सा जिराफ है। आज द किड़े, कहाँ रखना है उनको, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए बच्चों के लोगों के लिए। मेनी अ टाइम्स दे विल टेल यू ओनली ड्रॉ, पर देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक। एनकरेज कीजिए उनको कि नहीं, दिस इज योर ड्रॉइंग, यू हैव टू लर्न, यू नो। या फिर आप उनका बेसिक शेप बना के दे सकते हैं एंड देन आस्क देम टू डू द रेस्ट ऑफ इट। ठीक है, देन देर इज अ बॉटल। अभी बॉटल बाहर भी होता है, क्रिप के अंदर भी बहुत बार होता है, बट सिंस दिस इज अ टॉप व्यू, मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाया, नहीं तो टॉप व्यू टेबल विल जस्ट बी अ डॉट और समथिंग। तो मैं यहाँ पे क्रिप के अंदर ही एक बॉटल रख रही हूँ। ओके, कैपिटल एच से देर इज अ बॉटल। ओके, तो सारे शेप्स हो गए, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल जी स्मॉल जी। ओके, सो आई होप यू हैव लाइक दिस ट्यूटोरियल। मैं अपने स्टोरीज या अपने ड्राइंग्स यूज करती हूँ टू यू नो मेक माय डॉटर अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट।
वो बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट 3. सो फॉर मी, मैं जो प्रैक्टिकली यूज करती हूँ दैट इज अ एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैं ट्यूटोरियल्स मेरे बनाती हूँ. एंड आई होप आप सबको भी ये यूज में आए. एंड थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट वीक.